ये घटिया चोर है, वो घड़ी चोर अपनी ट्रांजैक्शन लाए, रसीदें रखे, बताए कौम को वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, उसका जवाब दे, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। हम तो कहते थे कि वेस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, ईस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, हम तो सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। इसने ये ढोंग और ये ड्रामा किया अमेरिकन साजिश का, अब अपना जो है वो कहता है गलती हो गई, हर चीज़ पे कहता है मैं गलती हो गई। गलती नहीं हुई, ये ड्रामेबाज शख्स है, झूठा है। साइफर के ऊपर इसकी ड्रामेबाजी सारे कौम के सामने आया हो गई कि ये कितना झूठा और गलत आदमी है। और तोशाखाना में देखें जो जो कुछ करके गया है, तो इसका इंशाल्लाह हिसाब का वक्त आ गया है, हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये आए अदालतों में अपना मुकदमा फेस करे, इसके खिलाफ फैसला हो। कौम देख रही है कि इसके खिलाफ जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो कब उसको उनका नतीजा निकलेगा, कब इसको सज़ा मिलेगी। जब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये इतना घटिया आदमी है, ये खवातीन तक गया, ये अपना जो है फरियाल तालपुर साहिबा के साथ इसने जो कुछ किया, मरियम नवाज साहिबा को इसने अरेस्ट किया, चादर और चार दीवारी का इसने ख्याल नहीं किया, हमारी पार्टी के साथ जो इसने हरकतें की, तो चार साल इसने कोई गवर्नेंस नहीं की, चार साल इसने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है, विच हंट किया, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर इसने सारे मुल्क का वक्त बर्बाद किया और अपना जो है ड्रामेबाजी की। तो अब इसको हम पीछा करेंगे इसका, इसके हम इसको स्पेस नहीं देंगे, ये किसी भूल में है, और इसको इंशाल्लाह इन केसेस का पूरा फॉलो अप होगा और इसको सज़ा होगी।